भारत के मन की बात अभियान का शुभारंभ धर्मशाला के विधायक व प्रदेश सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर भाजपा मंडल कार्यालय में की गई। इस अवसर पर किशन कपूर ने कहा कि देश के इतिहास में ये पहला मौका है कि देश के प्रधानमंत्री आम जनता के मन की बात जानेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के मन की बात अभियान के तहत एक पेटी होगी जिसमें जनता द्वारा अपने सुझाव प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे। ये पेटी पूरे विधानसभा क्षेत्र में घुमाई जाएगी। इस दौरान लोगों के सुझाव इस पेटी में डाले जाएंगे। उसके उपरांत ये पेटी दिल्ली भेजी जाएगी, जहां इन सुझावों की छंटनी की जाएगी और बेहतर रहे सुझावों को आगामी चुनावों के दृष्टिगत भाजपा के दृष्टि पत्र में भी शामिल किया जाएगा। किशन कपूर ने बताया कि हमारे देश में पहले चुनाव 1952 में हुए थे, लेकिन किसी भी प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर जनता के विचार जानने का प्रयास नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जिन्होंने रेडियो के माध्यम से मन की बात लोगों से साझा की और अब चुनावों से पहले पार्टी के दृष्टि पत्र को आम लोगों के सुझावों से तैयार करने की पहल की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कुछ लोग आपस में बैठकर एक पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र तैयार करते थे, लेकिन उसमें सभी वर्गों और क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व नहीं होता था। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में ये अपनी तरह की अनूठी पहल है जो कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की जा रही है। कपूर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लोगों से अपने मन की बात की है, वहीं अब वे लोगों के मन की बात सुनेंगे। भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुए लगभग 70-71 वर्ष हो गए हैं। चुनाव 1952 से ये पहली बार है भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के गौरवान प्रधानमंत्री जिन्होंने मन की बात शुरू की, लोगों से उस दिन स्वयं रेडियो के माध्यम से लोगों तक अपनी मन की बात को पहुंचाया और जो हमारे जिन सूरवीरों ने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था और उन्होंने इसलिए अपने प्राणों की आहुति दी कि देश में लोकतंत्र की स्थापना करेंगे और वो लोकतंत्र में लोगों के लिए सरकार बनेगी और लोगों की जो समस्याएं हैं लोगों के लिए लोगों के अनुसार इस देश में कार्य होगा, उनके लिए नीतियां बनेंगी। पर कुछ लोग पहले बैठते थे और अपना चुनावी घोषणा पत्र बनाते थे और चुनावों में वो घोषणा पत्र में लुभावने नारे देकर चुनाव जीते जाते रहे। इस बार पहली बार जो भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र तैयार हुआ, अगले 5 वर्षों की नीति क्या होगी पूरे देश के लिए, इस प्रकार से लोगों के मन में उनके लिए क्या होना चाहिए देश में, उनकी समस्या क्या है, इस मन की बात के माध्यम से लोग अपने सुझाव देंगे और वो एकत्रित होंगे, उनकी वहाँ छंटनी होगी और उसके अनुसार दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी। एस टुडे के लिए धर्मशाला से निर्वजित निप्पी की रिपोर्ट।